good morning. I hope you all are fine. Today's subject Hindi, but today's topic Rishi Rishi का writing. But उसके पहले हम स्वर का और गिनती का oral करेंगे. A से अनार, A से आम, E से इमली, E से ईख, U से उल्लू, U से ऊन, R से ऋषि, A से एडी, A से एना, O से ओखली, औ से औरत, आम से अंगूर और आह से खाली. चलो अब गिनती का वर्णन करते हैं. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस. चलो अब हम ऋषि ऋषि का राइटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं. मैंने यहाँ जो स्टेप है वो सारे लिख दिए, तो वो स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है ऋषि ऋषि में, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन करनी है. फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन. उसके बाद स्टैंडिंग लाइन हो गई, स्लैंटिंग लाइन हो गई. फिर यहाँ हमें स्लैंटिंग लाइन नहीं बनानी है, यहाँ से स्लैंटिंग और यहाँ से कर्व बनाना है. ऐसे राउंड शेप में बनाना है, ऐसे स्लैंटिंग लाइन नहीं बनानी है. फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और एक कर्व वाला भी हो गया. फिर ये जो स्लैंटिंग लाइन है वहीं से हमें इसे स्लैंट करके थोड़ा अप जाके ऐसे सर्कल बनाना है और यहाँ यहाँ हमें स्टॉप हो जाना है. फिर यहाँ छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे. फिर हमारा लास्ट वाला स्टेप है वो देखते हैं. चलो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग और बाउ. फिर यहाँ से स्लैंट, थोड़ा अप जाकर सर्कल और स्लैंट. यहीं तक हमारा हो गया. ये स्लैंट लाइन ना यहीं से हमें लेफ्ट कर्व बनाना है और ऊपर स्लिपिंग लाइन. और हमारे स्टेप भी फिनिश हो गए और ऋषि ऋषि भी बन गए. मैंने ऋषि ऋषि नीचे भी बनाए हैं, वो भी हम देख लेते हैं. स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंट और बाउ. फिर यहाँ से थोड़ा अप जाके सर्कल. फिर यहाँ स्टॉप कर देना और स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट कर. इसमें हमें क्या देखना है, देखो ये दोनों के बीच में जगह रहनी चाहिए. यहाँ टच नहीं कर देना है, यहाँ जगह रहनी चाहिए और यहाँ ऊपर स्लिपिंग लाइन. चलो ये सारे भी देख लेते हैं. स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लैंट और कर्व. पूरा आप जाके सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व और स्लिपिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग और कर्व. स्लैंटिंग, अप जाके सर्कल, छोटी सी स्लैंटिंग और लेफ्ट कर्व, ऊपर स्लिपिंग लाइन. ये हो गया हमारा ऋषि ऋषि. चलो अब हमें हिंदी की बड़ी बुक निकालनी है और उसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें सी डॉट डब्ल्यू और आज की डेट डालनी है. फिर हमें क्या करना है, यहाँ देखो क्या लिखा है, ऋषि ऋषि लिखो, अक्षरों में रंग भरो. तो यहाँ हमें तीन ऋषि ऋषि लिख के दिए हैं, उसमें हमें क्या करना है, कलर करना है. चलो अब हम कलर करेंगे. कलर कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है, हमारे जो स्टेप है वैसे ही हम कलर करते हैं. चलो ये हमारा ऋषि ऋषि में कलर हो गया. उसके बाद हमें क्या करना है, देखो नीचे क्या लिखा है, रि अक्षर की रचना सीखो और लिखो. जो ऑलरेडी हमने बोर्ड में तो देख लिया है, लेकिन अब हम टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे. पहले यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन दी है, फिर यहाँ स्लैंट और कर्व वाली लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन,
और स्लैंट और कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग कर्व, फिर यहाँ से थोड़ा अप जाके सर्कल बनाना है और छोटी सी स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्लैंट और कर्व, फिर यहाँ स्लैंटिंग लाइन से लेके अप जाके से सर्कल बनाना है और यहाँ छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनानी है और लेफ्ट कर्व बनाना है और स्लिपिंग लाइन। देखो स्टेप भी फिनिश हो गए और रिशे रिशे भी बन गया। और देखो यहाँ पे हमें जगह रखनी है, इसे टच नहीं कर देना। नीचे भी क्या दिया है, आपको ट्रेस करना है। स्टेप बाय स्टेप हम इसे ट्रेस कर देते हैं। फिर नीचे हमें लिखना है। देखो पहले हमें क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ए लाइन से लेके हमें यहाँ तक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ये 1, 2, 3 लाइन में हमारी स्टैंडिंग लाइन बन गई। फिर ये स्टैंडिंग लाइन नीचे वाली लाइन है, उसमें से हमें स्लांटिंग लाइन बनानी है। फिर यहाँ से जो ये स्लांटिंग लाइन यहाँ होती है ना स्टार्टिंग, वहाँ से इसे लेके स्लांट बना के यहाँ से हमें इसे कर्व जैसा बना देना है। फिर ये जो स्लांटिंग लाइन है यहाँ से हमें थोड़ी अप स्लांटिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से हमें अप जाके सर्कल बनाना है और स्लांटिंग लाइन, फिर हमें रुक जाना है, फिर यहाँ से हमें लेफ्ट कर्व बनाना है और ऊपर स्लिपिंग लाइन। ऐसे ही सारे हमें रिशे रिशे बनाने हैं। देखो ऐसे हमें पूरे पेज में रिशे रिशे लिख देना है। चलो फिर हमें हिंदी की छोटी बुक निकालनी है और उसमें रिशे रिशे का राइटिंग करना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर यह स्लांट करके कर्व बनाना है और यहाँ से लेके अप जाके सर्कल और लेफ्ट कर्व। आपको अच्छे से देखना है ये छोटी बुक में, क्योंकि इसमें तो एक ही लाइन होती है बड़ी वाली, उसमें ही आपको लिखना है और थोड़ा छोटा बनाना है, इसलिए अच्छे से हो जाए। ऐसे पूरा पेज में हमें रिशे रिशे लिखना है। हमें अच्छे से ऐसे ही रिशे रिशे लिखना है और पूरा पेज कंप्लीट करना है। चलो ये पेज हमारा कंप्लीट हो जाए, ये हमारा क्लास वर्क था। और आपको होमवर्क में भी ऐसे पेज टर्न करके ऐसा पेज कंप्लीट करना है। होमवर्क में भी पीछे पेज टर्न करके HW लिखे ऐसा पेज कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।